Exercise question 5.5. A closely wound solenoid of 800 tons and area of cross section 2.5 into 10 to power minus 4 meter square carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which solenoid acts like a bar magnet and what is the एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास इस तरीके से एक सोलेनोइड है, तो बेसिकली अगर सोलेनोइड को देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है, कॉइल्स को वाउंड किया हुआ पास पास में एक सेटअप है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो किधर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ हमारे पास आएगी। तो इसी डायरेक्शन को जब आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, जिनकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रहेगी, यानी कि नॉर्थ एंड हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, साउथ एंड हो गया। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करेगी। सेकंड पार्ट आती है कि हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो वो हमारे पास एन आई ए के बराबर होता है। एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 800, आई की वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर, और हमारे पास जो एरिया है वो 2.5 इनटू 10 टू पावर माइनस 4 है, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 0.6 जूल पर टेस्ला।